हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज मैं यहां अपने होम स्टे में आया हुआ था, तो सोचा कि चलो आपको भी यहां का व्यू दिखाते हैं, यहां से कैसा व्यू आता है पहाड़ का। तो चलो आ हूं। ये रही यहां पर मेरी टेस्ट सीरीज, और ये रहा सामने मेरा फ्रेंड जो जूम मीटिंग में मेरे साथ लगा हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए, ठंड भी यहाँ बहुत है, तो हीटर भी साथ में जलाना पड़ रहा है, बहुत ही ठंड है। अब तो सूर्य देवता के भी दर्शन हो गए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, ये है होम स्टे, और कुछ इस तरह से है यहाँ से व्यू। ये देखिए देवदार के पेड़, आज मौसम ऐसे क्लाउडी सा है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, सामने की तरफ है ये सेब का बगीचा, और अभी बसंत के मौसम में इन पेड़ों में पत्तियां भी आएंगी, तो अभी फिलहाल इनमें पत्तियां नहीं हैं। और ये देखिए, साथ में थोड़े से सरसों के फूल भी यहाँ खिले हैं। तो इस टाइम शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए। बहुत ही शांति और सुकून है यहाँ पर। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर ये मैंने सोचा था कि यहाँ ओपन में किचन बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये काम बाद के लिए टाल दिया है, तो अब बाद में इसको करेंगे। और इस टाइम पे है यहाँ पर एक्सट्रीम विंटर्स, ये देखिए पत्तियाँ भी कैसी हो गई हैं, लेकिन ग्रीन भी है, लेकिन ज़्यादातर सूख चुकी है, देखिए ड्राई हो चुकी है। और भी मैंने लगाए थे यहाँ पर फूल पेड़ पौधे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है डेलिया का खूबसूरत सा फूल, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए। और भी लग रहे हैं छोटे छोटे इसमें, और यहाँ पर भी है वाइट डेजी। ड्राइनेस इतनी हो गई ना फ्रेंड्स के अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि घास भी नहीं लग पा रही है, इतनी ड्राइनेस हो गई है काफ़ी टाइम से, मतलब 3-3.5 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं आ पाई है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस बार ना कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम वाली विंटर हो गई है यहाँ पर, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बारिश और बर्फबारी है उसका नामो निशान तक भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा यहाँ पर रूम भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से है यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से है रूम। और रूम से है ऐसा व्यू, ये देखिए। जब स्नोफॉल होगी तो बहुत ही सुंदर व्यू का आनंद ले सकेंगे। तो चलिए, और यहाँ पर साथ ही यहाँ पर है वॉशरूम, एक रूम फ्रेंड्स यहाँ पर भी है, लेकिन के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ सामान पड़ा है, तो खलारे पड़े हैं इस रूम में, तो नहीं दिखा रहा हूँ ये। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है रूम। और यहाँ से खिड़की खोल के एक बार व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का व्यू है यहाँ से, बहुत ही शानदार। तो चलो अब चलते हैं पीछे, और यहाँ पर है किचन, ये रहा किचन।
तो अभी के लिए मैं ऐसे ही थोड़ा कम कम दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर है वॉशरूम, और एक बार इस विंडो से भी व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा व्यू है इस विंडो से, देखिए ये बिल्कुल सूखे हो गए और ये ख़त्म ही हो गए, लगभग ग्रो ही नहीं हो पाए। दो रूम यहाँ नीचे की तरफ भी है, लेकिन उसको मैं आपको कभी और दिखाऊंगा, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो आज के लिए, और अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं और इस क्वाइट से प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें और मैं आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।